शादी हुई तभी से मेरा हवन चाहिए है, मुझे 25 साल बड़ा है। तो मैंने घर वालों ने मेरी शादी की है। अच्छा, शुरू से उसने नहीं कमा के दिया, तो मैं रिक्शा, जब से मेरी बेटी पैदा हुई है तो मैं रिक्शा चला रही हूँ। अब मैं कभी कभी सोचती हूँ, कसम होता कि मेरे बेटे ने मुझे सवाल किया था, कहते हैं मम्मा तुम्हें पता ही ना पापा ने चाहिए नहीं, तो क्यों ना जमे जमया क्यों है मेरे काफी से सवाल, इस सवाल से मैं डरती थी, आज उसने वही सवाल कर दिया मुझसे। दिल नहीं आएगा, कसम दिल टूट जाने अल्लाह की कसम खा के कहनी हूँ, मेरा दिल ढूंढ के आंसर होता है जब किसी की बीवी को उसके उसका आवन मोटरसाइकिल पे कहीं लेके जाते ना, तब मैं हूँ उनके आंसर होती हूँ। अल्लाह सुनिया मिर्च अभी हूँ भी आने ची, अल्लाह सुनिया मिर्च कखे ही नहीं, क्यों मैं बंदे जरने इतनी दुनिया क्यों नहीं, अल्लाह सुनिया मेरे सिच कुछ आया। वैसे एक बात बोलो, मुझे सबसे ज़्यादा गिला खुदा से है, बच्चे हैं कुछ मांगते हैं तो मैं कहती हूँ, मैं मुँह देखना शुरू हो जाती हूँ, उनको मारू पीटू। बेटा कह रहा था मम्मा जी कल मेरी सालगिरह सी, तुम मैं केक नहीं लिया गई था, बेटी कहती है मम्मा जी मैं बूट लैके दो, उनके स्कूल के बूट तक नहीं है खुदा की कसम। भाइयों ससुर ससुराल वाले जो है इनको गैरत आ जाए, इनमें से कोई तो होगा जो कहेगा चलो आराम से घर में बैठो हम करेंगे खर्चा दे देते हैं, लेकिन यह कि किसी में गैरत आ ही नहीं है या किसी अल्लाह ताला ने इनमें गैरत रखी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान महर अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं NPG मीडिया सियालकोट। आज मैं आपको बताऊंगा कि गरीबी और हालात इंसान को क्या कुछ करने पे मजबूर कर देता है। आज मेरे साथ एक ऐसी माँ मौजूद है जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए खुद रोड पे निकली, खुद उसने मेहनत की, किसी के आगे अपना हाथ ना किया। ये वो बहन है जो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रिक्शा ड्राइव करती है। उसे जानते हैं किस तरह उस पर यह हालात आए और कब से वो रिक्शा चला रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नजमा। मुझे ये बताएं कब से रिक्शा चला रही हैं आप? मैं 4 साल हो गए हैं रिक्शा चला रही हूँ। और आपके मियाँ हैं? मियाँ को छोड़े 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए। बच्चे कितने हैं आप? मेरे 3 बच्चे हैं। घर आपका अपना घर है? नहीं, पहले मैं किराए पर रहती थी, तो अभी भी ऐसा ही है। जब शादी हुई तभी से मेरा हवन चाहिए है, मुझे 25 साल बड़ा है, तो मैंने घर वालों ने मेरी शादी की है। अच्छा, शुरू से उसने नहीं कमा के दिया, तो मैं रिक्शा, जब से मेरी बेटी पैदा हुई है तो मैं रिक्शा चला रही हूँ। मैंने कहा कि आगे लड़के थे भूख बर्दाश्त कर लेती थी, अब बेटी है, बेटी भूख बर्दाश्त नहीं करनी, गाड़ी चलाई। घर के हालात कैसे हैं? घर के हालात भाई कैसे होने हैं, बच्चे हैं कुछ मांगते हैं तो मैं कहती हूँ, मैं मुँह देखना शुरू हो जाती हूँ, उनको मारूँ पीटूँ। बेटा कह रहा था मम्मा जी कल मेरी सालगिरह सी, तुम मैं केक नहीं लिया गई था, बेटी कहती है मम्मा जी मैं बूट लेके दो, उनके स्कूल के बूट तक नहीं है खुदा की कसम, उनके पास स्कूल के बूट भी नहीं है, अल्लाह जानता है। वो कहते हैं घर वाली वर्दी पहना के भेज दे कोरोना वायरस से, मैं कहती हूँ कपड़े पहनने के लिए नहीं है, लोगों से मांगने का वक्त आ गया, इमरान खान की महंगाई जिंदाबाद हो गई। रिक्शा कहाँ से लिया था? कोई बंदा था लगा नेक, उसने मेरी हेल्प की थी तो मैंने रिक्शा लिया। मुझे ये बताएं बहना कि किस तरह आपके जहन में आएगा रिक्शा चलाएंगी आप? मैंने कहा कि शायद भाइयों और ससुर ससुराल वाले जो हैं इनको गैरत आ जाए, इनमें से कोई तो होगा जो कहेगा चलो आराम से घर में बैठो हम करेंगे खर्चा दे देते हैं, लेकिन यह कि किसी में गैरत आ ही नहीं है या किसी अल्लाह ताला ने इनमें गैरत रखी नहीं। मुझे ये बताएं कभी आपके मोहल्ले वाले आपके पास आए हों आपकी हेल्प करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। मेरा बेटा है वो कहते हैं मैंने पढ़ने, अभी मैं जब घर से आती हूँ बेटे के पास दोनों बहन भाइयों को छोड़ के आती हूँ, अभी मैं कहती हूँ बेटे को किसी स्कूल भेजो किस दिन भेजो, छोटे बच्चों का क्या होगा, अब इन दोनों छोटों बच्चों के लिए बड़े बेटे की ज़िंदगी ख़राब हो गई, बर्बाद हो रही है। अब मैं कभी कभी सोचती हूँ, कसम होता कि मेरे बेटे ने मुझे सवाल किया था, कहते हैं मम्मा तुम्हें पता ही ना पापा ने चाहिए नहीं, तो क्यों ना जमे जमया क्यों है मेरे काफी से सवाल, इस सवाल से मैं डरती थी, आज उसने वही सवाल कर दिया मुझसे,
अभी बेटे छोटे दोनों बच्चों को पढ़े के पास छोड़ के आई हूँ। बेटी को भी बाहर था और बड़े छोटे बेटे के ना आपको पता है ना ही बेना दाना निकला तो बाहर था, उसको डॉक्टर इंजेक्शन लगाया तो उसकी कितनी बड़ी हो गई, अब वो घर बन गया तो उसके पास छोड़ के आती हूँ, तब रक्षा चलाती हूँ। रक्षा चला के घर जाती हूँ तब भी कुछ नहीं कमाया जाता। एक चीज़ कहते हैं मम्मा जी, मैं कहते पकाना कि गंडे है नहीं जी मम्मा जी फलानी शहर नहीं थे, मैंने जाओ जाके ना उस होटल तो 50 रुपया सारा ले आया। अब क्या करूँ जब गर्मी कुछ है ही नहीं तो क्या करूँ। और मुझे ये बताएं कि कितने पैसे कमाती रही? मैं जब से कोरोना वायरस है ना झूठ नहीं बोलूँगी, अल्लाह की कसम दिला लें कुछ भी नहीं कमाया जा रहा। कुछ भी नहीं कमाया? कुछ भी नहीं कमाया, कहती हूँ 7,000-8,000 में कुछ नहीं बन। मेरी बहन मुझे ये बताएं क्या अब जब देखती हैं आपके मोहल्ले की जो औरतें हैं अपने घर आराम कर रही हैं, आपके कभी दिल नहीं आया? कसम दिल टूट जाने अल्लाह की कसम खा के कहनी हूँ, मेरा दिल टूट के आंसू रोता है जब किसी की बीवी को उसके उसका आमन मोटरसाइकिल पे कहीं लेके जाते ना, तब मैं हूँ उनके आंसू रोती हूँ। अल्लाह सुने मिर्च अभी हूँ भी आने ची, अल्लाह सुने मिर्च कख है ही नहीं, क्यों मैं बंदे जरे ने इतनी दुनिया क्यों नहीं अल्लाह सुने मेरी सच कुछ आया। वैसे एक बात बोलूँ, मुझे सबसे ज़्यादा गिला खुदा से है। अल्लाह से गिला ना करें, अल्लाह पाक आपकी गैबाना इंशाल्लाह मदद ज़रूर करेंगे। ये देखें आप कहेंगे शायद झूठ, ये देखें कितनी दफ़ा मेरे बाजू काटे हैं। क्यों काटे आपने बाजू? बस हालातों से तंग आके, लेकिन मौत भी बड़ी कितनी चीज़ें आ नहीं रही। अब तो मैं सोचती हूँ पानी में छलांग लगा दूँ। मेरी बहन खुदकुशी करना तो बहुत हराम मौत है क्या? मैं कह रही हूँ जिस्म बेचना ज़्यादा हराम है। अच्छा आजकल लड़कियों के साथ तो ज्यादा हो रही है, औरतें जिस्म बेच रही हैं, एक में एक किलो आटे के लिए जिस्म बेच रही हैं, और हमारे हुक्मरान को देखे वो मुझसे बैठा हुआ है। तो महंगाई 4 गुना ज़्यादा कर दी है, आप किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं। चीनी का रेट 120 रुपये का जबकि 40 रुपये किलो था, आटे का तोरा 1000 रुपये का हो गया, 1100 रुपये। जब आप घर जाती हैं तो बच्चे आपको देखते होंगे, मेरी माँ आ गई है, मेरे कुछ ले। मेरी बेटी जो है भाग के मेरे पास आती है, मैं माँ आ गई, मैं माँ आ गई, मैं माँ आ गई। मैं कहनी अल्लाह ही है किसी दिन मैं ना ही घर जाऊँ। और पिछली दफ़ा मुझे फॉल्स का अटैक हुआ इस हाथ पे, ये देखें फॉल्स का अटैक हुआ है मुझे मेरे बाएं तरफ, रक्षा भी उलट गया था, ये देखें सारा चिबा शीशा उठ गया। क्या करूँ औरत, तू बच्चों को संभालूँ, घर देखूँ, बाहर जाऊँ? रिक्शा चलाना कैसे सीखा आपने? वो कहते हैं ना पेट में जब भूख हो ना, बच्चे रो रहे हो तो अपने आप ही आ जाती हैं। जब आप अकेली घर से निकलती हैं आपको होश नहीं आता था? भाई पहले जब मैंने रिक्शा लिया था ना तब हालात मुल्क के इतने ख़राब नहीं थे, अल्लाह माफ़ी दे, तब दीद लिहाज दिखाया था, माँ बहन बेटी की पहचान थी, लेकिन अब नहीं है। अब तो बच्ची चीनी लेने जाती दुकान पे तो वापसी का पता नहीं होता, 5 साल की बच्ची के साथ ये हो गया। माँ बेटी जवान थी, माँ बूढ़ी थी, वो कहीं से आई है और उसके साथ रक्षा ड्राइवर उसके साथ एक आदमी बैठा उसने कर ली। अब मैंने पाकिस्तान में एक लड़की के साथ 400 लोगों ने बात दी, ये अब इन बातों से डर लगता है। अब रिक्शा लेकर निकलती हूँ ना तो यही देखती हूँ कि मर्द ना बैठे, क्यों? क्योंकि सारी बातों से ना मुझे मर्दों से खौफ आते हैं, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ही है, अल्लाह ही ज़्यादा करम करें। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं महंगाई कम करूँगा, ठीक है। ये देखें 8 रुपये यूनिट है, बिल फाड़ दे, बिल नहीं देंगे इस महीने, बिल नहीं देंगे, 8 रुपये यूनिट थी अब 38 रुपये यूनिट हो गया। कहते हैं मुल्क की बेहतरी कर रहे हैं, क्या बेहतरी हो रही है मुझे भी तो बताएं ना, क्या बेहतरी हो रही है? चीनी 120 रुपए किलो है, आलू 120 रुपए किलो है, वो गोभी 120 रुपए किलो है, क्या महंगाई कम करने की मुझे क्या हो रहा है ये? मुझे नहीं से आटे का थोड़ा 1100 रुपए का हो गया, हर चीज़ तो की कीमत कम से कम 3-4 गुना ज़्यादा कर दी गई है। डीजल है वो भी इतना महंगा 125 रुपए कर दिए, पेट्रोल मैं कहती हूँ पेट्रोल डलवाने जाओ अब टैंकी में पेट्रोल ऐसे लगता है ही नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कहा। इमरान खान साहब बेहतर है मेहरबानी करें महंगाई को, तो वरना मैं मर जाऊंगी कसम से। मेरी तरह गरीब औरतें हैं जिनके हाम नशा करते हैं, उनका गुजारा बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत ही मुश्किल है, अल्लाह का वास्ता दे के कह रही हूँ बहुत मुश्किल है। मैं कह रही हूँ महंगाई को तोड़ें,
अल्लाह का वास्ता दे के उसके। ये है बाहिम्मत औरत जो अपने बच्चों का और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए खुद अपने घर से निकली और खुद मेहनत की, इसने किसी से मांगा नहीं, खुद मेहनत की। नाज़रीन हमें भी चाहिए कि हम ऐसे लोगों की हेल्प करें। हम ब्रांड ब्रांड करते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम अच्छे खाने खाते हैं, लेकिन हम इनको भूल जाते हैं। हमें चाहिए कि हम इनकी हेल्प करें और हम इनके लिए वो करें जो इनका घर का खर्चा चल जाए और इनके बच्चों का पेट भर जाए। हमारी हुकूमत से अपील है, भरपूर अपील है, खुदारा खुदारा इमरान खान साहब, गरीबों पर रहम किया जाए, प्लीज़ गरीबों पर रहम किया जाए, नहीं तो गरीब मर जाएंगे। इसके साथ साथ अपने मेज़बान महरे अली को दें इजाज़त। NPG मीडिया, सियालकोट।